ఎపియాన్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ రీజనరేటివ్ సెంటర్. ఇక మీ నొప్పులు శాశ్వతం కావు. हम बीबी पाटिल जी के बीबी पाटिल के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं. हमर जैसे जहराबाद पार्लियामेंट से हमारे पाटिल जी जीते सो हैं. बहुत अच्छा आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया था. इतना आशीर्वाद दिया कि बीबी पाटिल जी जनता की सेवा के लिए आज खड़े हुए हैं. भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पाटिल जी को देखा कि पाटिल जी आपकी जगह वहां नहीं, आपकी जगह कमल में है. आप वो जिसके टायर पंचर हो गए हैं, अगर वो गाड़ी में सवार करोगे तो आगे तक जा नहीं सकोगे. हमारी पाटिल जी ने भी देखा कि आज देश आगे बढ़ रहा है तो हमारे मोदी जी की वजह से. आज गर्व से हम हिंदू कह रहे तो वो है मोदी जी की वजह से. आज देश में विकास हो रहा है तो वो है मोदी जी की वजह से. तो हमारे पाटिल जी ने कहा कि मैं आऊंगा भारतीय जनता पार्टी में. आज भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी ने इन पे विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनाया है आपके इस हैदराबाद पार्लियामेंट से. मेरे मित्रों, पिछली बार जो मेजोरिटी थी हमारे पाटिल जी की, इस बार मेजोरिटी बढ़ाना है. मेरे मित्रों, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा था कि 400 पार, और प्रधानमंत्री मोदी जी की एक सेना बन रही है, वो सेना में एक सैनिक का जैसा आपको हमारे पाटिल जी को जिताकर भेजना है. इसलिए मैं आप सबसे वोट मांगने के लिए आया हूं. मेरे मित्रों, आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को हराने के लिए सिर्फ हिंदुस्तान के दलाल नेता ही नहीं, पाकिस्तान में बैठे हुए दलाल नेता भी सोच रहे हैं. एक मीडिया मित्र ने पाकिस्तान में एक मंत्री को पूछा कि भारत में चुनाव है तो किसकी गवर्नमेंट आई तो अच्छा रहता है. एक मीडिया पूछ रहा है पाकिस्तान के मंत्री से, तो वो मंत्री कह रहा है कि कोई भी आए, मोदी ना आए, राहुल गांधी आए तो अच्छा है, कांग्रेस पार्टी आए तो अच्छा है. तो इन कांग्रेसियों का और पाकिस्तानियों का कितना गहरा संबंध है मेरे मित्रों, ये आप जान लो. कुछ ही दिन पहले आतंकवादियों द्वारा हमारी सेना पे हमला करते हैं, हमारा एक देश का जवान शहीद होता है मेरे मित्रों. और ऐसे पाकिस्तानी जो आतंकी की जो फैक्ट्री है, ऐसे पाकिस्तानियों की भी जो फ्रेंडशिप इन कांग्रेसियों की है मेरे मित्रों. आज हमारे देश में एक कैंसर की एक बीमारी है मेरे मित्रों, शायद ही हर देश में होंगी. लेकिन जो कैंसर की जो बीमारी है, जिसको आती है, वो इंसान बहुत तड़पता है और उसका रिकवरी होना बहुत मुश्किल है, और कई लोग मर जाते हैं जिसको कैंसर की बीमारी आती है. लेकिन कैंसर जितनी खतरनाक बीमारी है, उससे खतरनाक ये कांग्रेस है मेरे मित्रों. प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल पहले ही इन कैंसर की बीमारी यानी कांग्रेस का इलाज कर दिया है. और ये कांग्रेसी जो कि कैंसर से खतरनाक है, ये लोग सपना देख रहे हैं कि हम मोदी को रोकेंगे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री को हम बनाएंगे. ये लोग जो सपना देख रहे हैं ना, इनका सपना साकार होने वाला नहीं है. हिंदू है आज की जो जनता है, आज का जो देशभक्त है, वो क्या कह रहा है? जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे. जिसने राम को लाया है, जिसने राम मंदिर बनाया है, जो आज लाखों राम भक्त जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर रहे हैं, जनता कह रही है जो राम को लाया है, जो कृष्ण को लाएगा, जो शंकर भगवान को लाएगा, हम उसको लाएंगे. आज भारत देश का बूढ़ा हो या भारत देश का छोटा बच्चा हो, सबके मुंह में बस एक ही एक है, तीसरी बार भी मोदी सरकार. आज ये कांग्रेसी अपना नाम बदल चुके हैं लोग,
पहले इनका एक गठबंधन नाम था, अब ये लोग इंडी गठबंधन कर लिए। लोग इंडी गठबंधन, ये नाम क्यों बदले पता है? क्योंकि इन्होंने जो पुराना जो नाम था उस नाम पर इन्होंने 12 लाख करोड़ का घोटाला किया हमारे भारत देश में। 12 लाख करोड़ का घोटाला मेरे मित्रों। ये 12 करोड़ वाला किसके बाप के थे? ये आपके थे, ये मेरे थे, हर वो गरीब जनता के पैसे थे जो कांग्रेसियों ने राज में आकर हमारे देश का जनता का पैसा लूटा मेरे मित्रों। ये वो कांग्रेस है। अगर भारत में फिर से कांग्रेस आएगी तो सोचो कि हमारे भारत देश को ये लोग कितना नोच खाएंगे मेरे मित्रों, कितना बर्बाद करेंगे ये कांग्रेस हमारे भारत देश को। एक बार विचार करना मेरे मित्रों। अरे जिन्होंने राज के नाम पर एक रिमोट कंट्रोल पर चले ऐसा प्रधानमंत्री बनाया था, कौन था प्रधानमंत्री? मनमोहन सिंह। वो सोनिया गांधी के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल था। मैं आपको एक इतिहास बताना चाहूंगा, जब भी भारत देश में आतंकी हमला होता था तो यही सोनिया गांधी, यही मनमोहन सिंह लव लेटर लिखते थे पाकिस्तान को। लव लेटर लिखने का जमाना था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी बनने के बाद में वहां से एक बम अगर भारत में फूटता था तो यहां से मिसाइल पाकिस्तान में गिरती थी मेरे मित्र। अरे धोखे से हमारी सेना के ऊपर इन्होंने हमला किया तो यही प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक किया और सर्जिकल स्ट्राइक किया मेरे मित्रों। ये है मोदी की ताकत। में जो हमारे माइनॉरिटी लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम मोदी को वोट नहीं डालेंगे, मर जाएंगे लेकिन वोट नहीं डालेंगे। तो उनको मैं पूछना चाहूंगा, अरे मेरे भाई एक बार विचार करो, मोदी ने तुम्हारे लिए क्या किया? अरे जब तुम्हारी बहन बेटी के साथ हलाला होता था त्रिपुल तलाक के नाम पर, तो यही प्रधानमंत्री मोदी जी ने त्रिपुल तलाक बिल लाकर तुम लोगों की इज्जत बचाई या नहीं बचाई? एक बार विचार करना मेरे मित्रों। अगर सचमुच में जो सच्चा देशभक्त जो मुसलमान है वो मोदी जी को ही वोट करेगा, और जो चंद पैसों में बिकता है वो किसको वोट करेगा, ये हम उनके ऊपर छोड़ते हैं मेरे मित्रों। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये नारा लेकर हमारे मोदी जी आगे बढ़ते हैं। जब मोदी जी विकास सोचते हैं तो ना हिंदू देखते हैं, ना मुसलमान देखते हैं, ना सिख देखते हैं, ना ईसाई देखते हैं मेरे मित्रों। हर एक का विकास करते हैं। आज सिंगल बेडरूम यानी डबल बेडरूम हमारे मुख्यमंत्री ने जो बनाया ना केसीआर ने, हमारे मोदी जी ने कहा कि मेरे भाई ये डबल बेडरूम के चक्कर में मत जा, जिन जिन को घर नहीं है सिंगल बेडरूम बना और लाखों लोगों को करोड़ों लोगों को दे। लेकिन केसीआर ने नहीं सुना। लेकिन वही उत्तर प्रदेश में करोड़ों घर बना के हमारे योगी आदित्यनाथ जी गरीब जनता को दिए। अरे आज आवास योजना के तहत लाखों करोड़ों घर बनाकर जिनको घर नहीं मिला हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। मोदी जी ने हिंदू और मुसलमान नहीं सोचा मेरे मित्रों, सबको घर दिया। यह है प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी। अगर सचमुच में मुसलमानों का अगर कल्याण हुआ तो वह बीजेपी की ही गवर्नमेंट में, यह बात ध्यान रखना मेरे मुस्लिम भाइयों। और हमारी एक सापा की नेता है, कौन है वो? सलमान खुर्शीद, जो एक पापी है कांग्रेस में, उसकी भतीजी एक सापा में, वो कहती है कि वोट जिहाद करेंगे, वोट जिहाद करेंगे और मोदी को हराएंगे। तो मैं उसको कहना चाहूंगा कि तुम क्या, तुम्हारे बाप क्या, तुम्हारे बाप के बाप भी अगर आगे मोदी को हराना इस बार नहीं हर बार नामुमकिन है। अरे हम पहले सुनते थे लव जिहाद, हम पहले सुनते थे लाइन जिहाद, अब इन लोगों ने वोट जिहाद करना प्रॉब्लम पर स्टार्ट कर दिया इन्होंने। लेकिन जो लोग वोट जिहाद की सोच रखकर आगे बढ़ रहे हैं, ये तुम्हारा वोट जिहाद ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। एक देश में एक कानून आने वाला है, जनसंख्या पर भी एक कानून आने वाला है। जब ये कानून आएगा
तो कहां से वोट जिहाद करोगे, एक बार विचार कर लेना। हमारे अमित शाह जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, लेकिन उसको इन्हीं कांग्रेसियों ने तोड़ मरोड़ के पेश किया। मेरे मित्रों, अमित शाह जी ने कहा एससी एसटी ओबीसी को हम और मजबूत करेंगे। इन्हीं कांग्रेसियों ने एसटी एससी ओबीसी का जो फंड है वो काट के 4% संविधान के खिलाफ में मुसलमानों को दिया। लेकिन हमारे अमित शाह जी ने कहा कहा ये 4% जो संविधान के खिलाफ है, जो मुसलमानों को दिया जा रहा है, हम वो देने नहीं देंगे। क्या हम वो पैसा देने देंगे? एससी एसटी ओबीसी का जो फंड है क्या वो काट के हम इनको देने देंगे? लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी है मेरे मित्रों, 4% खींच के भी एससी एसटी ओबीसी का कल्याण करेगी ये भारतीय जनता पार्टी। मेरे मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी, आज हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन जितने भी यहाँ पर जो मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जो हिंदूवादी कार्यकर्ता है, उनसे बस एक ही एक निवेदन करता हूं मैं कि आपके सोशल मीडिया के माध्यम से रोज हर घंटे में एक पोस्ट आना चाहिए और पोस्ट में बस यही लिखना, अगर तिलक लगाकर जीना चाहते हो तो मोदी को जिताओ। गौ माता की पूजा करना चाहते हो तो मोदी को जिताओ। अगर देश में आतंकवादियों को बढ़ाना चाहते हो तो कांग्रेस को जिताओ। अगर खुले में गौ माताओं को कटवाना चाहते हो तो इन कांग्रेस को जिताओ। या नहीं, और जिससे एक बार, लेकिन ये एक दलित दिली गई तो दूसरी दलित दिली तेलंगाना में आ गई। मेरे मित्रों, एक दलित्री थी केसीआर, जनता ने उसके टायर पंक्चर करके उनको घर में बिठाया है। अब और एक रेवंत रेड्डी नाम की एक दलित्री आ गई हमारे तेलंगाना में। वो कहता है कि मोदी ने कुछ नहीं दिया, गार्दी गुड्डू दिया बोलकर। तो मैं रेवंत रेड्डी को पूछना चाहूंगा, रेवंत रेड्डी जी, आज तेलंगाना जो विकास की राह पर जो पड़ रहा है ना, वो मोदी जी की ही बदौलत है। जो तुम 6 गारंटी लेकर जो जनता में आए हो, जो बेवकूफ जनता का जो तुम बना रहे हो ना, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है रेवंत रेड्डी जी। यही जनता तुम कांग्रेसों को दौड़ा दौड़ा कर मारेगी, ये इतिहास गवाह रहेगा, लिख लेना आज के बाद। और भारत से कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, ये भी बात ध्यान रखना। रेवंत रेड्डी का एक इंटरव्यू देख रहा था, एक भाषण सुन रहा था मैं। रेवंत रेड्डी कहता है कि हम डरने वाले नहीं हैं। तो मैं रेवंत रेड्डी को पूछना चाहूंगा, तुम्हें डरा कौन रहा है और तुम्हारी क्यों फट रही है? अमित शाह का वीडियो तुम कांग्रेसियों ने एडिट करके वायरल किया, तुम्हारे ऊपर केस बुक हुआ, दिल्ली से पुलिस आई नोटिस लेके। अरे नोटिस लेने पर भी तुम्हारी फट रही है, तुम्हें कोई और नहीं डरा रहा है, अरे तुम खुद डरपोक हो। तुम्हारे यानी पहले का जो हमारे रेवंत रेड्डी का जो खून था ना, वो भगवा खून था, उनके खून में भगवा था। जैसा ही कांग्रेसों का खून भर गया उनमें, अब पहले जो इंसान हिंदुत्व की बात करता था, आज वो हिंदू विरोधी नारे लगा रहा है। वो कह रहा है कि ये बीजेपी वाले राम की फोटो बताकर चंदा कर रहे हैं। तो मैं रेवंत रेड्डी को कहना चाहूंगा, तू भी हिंदू तो बेटा, मैं भी भव्य राम मंदिर बना, चल अगर तू सच्चा हिंदू है तो मथुरा की फोटो लेकर निकल जा। अरे तुम कांग्रेस ही कहते हो कि ये बीजेपी वाले राम मंदिर बनाकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, तो चलो तुम लोग काशी और मथुरा की राजनीति करके बताओ। लेकिन इनमें दम नहीं है मेरे मित्रों, ये जो कांग्रेसी है ना, सिर्फ मुसलमानों के वोट बैंक पे तनने वाले हैं ये लोग। लेकिन उन कांग्रेसों को कहना चाहूंगा, सत्ता में सिर्फ मुसलमान के वोट नहीं, हिंदू का भी वोट चाहिए।
और आज मैं कहता हूँ यही प्रधानमंत्री मोदी जी को मुसलमान भी वोट देगा, हिंदू भी वोट देगा, सिख भी वोट देगा, ईसाई भी वोट देगा। हर वो वर्ग का व्यक्ति प्रधानमंत्री को वोट देगा और तीसरी बार भी प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी को बनाएंगे मेरे मित्रों। कोई रोक नहीं सकता, किसी मई कलाल में दम नहीं जो प्रधानमंत्री मोदी जी को रोक सके। मेरे मित्रों, आज मेरे सामने जितने भी जो मेरे भाई बंधु हैं, आखिरी में एक ही बात आप सबको कहना चाहूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन है मेरे मित्रों, आज ये जो कंडवा है ना, ये भारतीय जनता पार्टी की इज्जत है मेरे मित्रों। और इस कंडवे को और इस भगवे को झुकने नहीं देना, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा मेरे मित्रों। प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते हैं, तुम मुझे आशीर्वाद दो, तुम मुझे शक्ति दो, मैं देश को झुकने नहीं दूंगा। तो मोदी जी आज इस मंच के माध्यम से कहेंगे, तुम देश को झुको, जब तक सांस है भगवा झंडा लहराते रहेगा, किसी मई कलाल में दम नहीं जो भगवे को झुकाकर बता दे। मेरे मित्रों बोलो भारत माता की। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी जी आप सबको देख रहे होंगे या उनकी सोशल मीडिया टीम भी उनको बताएगी, तो जितने लोगों के पास फोन है टॉच ऑन करो, सब लोग टॉच। अरे ऊपर तो तारे हैं, नीचे भी तारे हम लोग बताएंगे। నమస్తే అండి, ఇది వ్యాపారం గురించి కాదు, ఓటు గురించి. ఎన్నికల్లో ఓటు వేయడం మన హక్కు మాత్రమే కాదు, కర్తవ్యం. ఎంతో మంది మహామహా నేతలు శ్రమించి ప్రాణత్యాగం చేసి ఈ అవకాశాన్ని మనకిప్పించారు. అందరూ ఓటు వేద్దాం, ఎందుకంటే ఓటు హక్కు ఊరికే రాదు. నా ఓటు ఎవరికో తెలుసా? అది సీక్రెట్ అండి.